बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो जी? हमारे पास एक 12 वोल्ट का 12 एम्पीयर का बैटरी चार्जर है, ठीक है। इसको बिजली का झटका लगने से ये ख़राब हो चुका है, जल चुका है। हम इसको ओपन करके चेक करते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम को हल करने की भी कोशिश करें। ये 12 वोल्ट 12 एम्पीयर में डीसी चार्जर है जिससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं जी। हमने सर्किट को बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं कि सारा जो रेगुलेटर सिस्टम है वो सारे का सारा जल चुका है। ऐसी भी जल चुकी है, रेजिस्टेंस भी, डायोड भी और जेनर भी, ठीक है जी। सब अगर सारे पुर्जे हमने चेंज करने हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ बाज़ार से हमें मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि जो इसको ऐसे लगा हुआ है जे YX041 ये कहीं से नहीं मिलेगा। इसका भी हम कोई ना कोई जुगाड़ निकालते हैं, ठीक है। जस्ट आपने वीडियो को फॉलो करना है। जी हमने सारे पुर्जे निकाल कर जुगाड़ लगाया, ठीक है। ऐसी भी निकाल दी, तमाम रेजिस्टेंस भी निकाल दी, हमने डायोड भी और जेनर भी निकाल दी है, ठीक है जी। हमने एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है, और एक छोटा रेजिस्टेंस हमने लगाया, ठीक है। जी हमारे फैन की जो प्रॉप्स हैं वो कट खड़ी हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह दोबारा लगाएंगे। जी हमने एक जुगाड़ सिस्टम लगाया, जो बाजार से एक रेगुलेटर है, एसी में सिस्टम मिलता है, ठीक है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, तकरीबन 150 रुपये का मिल जाता है, ठीक है। जो एसी थी हमने उतार कर उसको करंट हमने डायरेक्ट पास कर दिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस की हमने एक साइड शार्ट कर दी है एक, और दूसरी साइड पे हमने ये रेगुलेटर एसी सिस्टम जो बना बना बाजार से मिलता है हमने ये लगा दिया। इसकी जमा वाली जमा पे आपने लगा देनी है और नफे वाली आपने नफे पे लगा देनी है, ठीक है। जो वाइट तार एसी से जो करंट जा रहा है उसे आपने लगा देनी है, ठीक है, जो कंट्रोल का काम करता है। जी हमने रेगुलेटर आईसी EFT जो है ये भी चेंज किया है, ये भी जला हुआ था, ख़राब था, शार्ट हो गया था। इस साइड पे जो डायोड और रेजिस्टर लगी हुई है हमने ये भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इस पर अपनी वायर लगा कर इसको चेक करते हैं क्या ये करंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे मीटर पे इसका करंट पूरा आ रहा है, ठीक है, तकरीबन 12 से 13 वोल्ट इसका करंट आ रहा है। ये अब हम इसको फिट करके चेक करते हैं कि ये बैटरी चार्ज करता है कि नहीं। ये फैन वाली तारे हैं, ठीक है, अपने इसको अच्छी तरह फिट कर देना है।
ये वोल्ट मीटर है जो हमें वोल्ट शो कराता है कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये हमारे पास एक 7 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसको हम लगा कर चेक करेंगे कि हमारा चार्जर, हमारा तजर्बा, हमारा जुगाड़ कामयाब हुआ है कि नहीं। जी आप देख सकते हैं कि बैटरी 3.6 वोल्ट पे खड़ी है। आप इसको लगाएंगे चार्जर पे, ये 13.7 वोल्ट दे रहा है और बैटरी हमारी फुल शो कर रहा है, ठीक है। दूसरी बैटरी हम लगा कर चेक करेंगे कि उस पर ये बैटरी चार्ज कर रहा है कि वो भी फुल शो करता है। ये भी 7 वोल्ट की बैटरी है, चौदह शेर 6 वोल्ट दे रहा है। आप देख रहे हैं बैटरी चार्ज करनी शुरू कर दी इसने। जैसे बैटरी फुल हो जाएगी, इसकी बैटरी फुल वाली इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।